राज्यपाल महोदय के निम्नलिखित आज्ञा से 18 जनवरी 20 को सर्वसाधारण सूचित प्रकाशित की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार के निर्माण की दिशा में महामहिम राज्यपाल महोदय, यह सत्र बिल्कुल नियमों के विरुद्ध बुलाया गया है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी इस किताब में जो आपने हमें यहाँ से दी? राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रिया का जो दिया हवाला, उसमें आपने सेक्शन 2 में अध्याय 2 में ये बात स्पष्ट लिखी है कि कम से कम 21 दिन के पहले आपको सदन को आउट करना चाहिए। ये बजट सत्र है और जब बजट सत्र है तो निश्चित रूप से हमें 14 दिन का समय मिलता है। हम अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं, हम अपनी बात को राजस्थान की जनता का ठीक प्रकार से रख सकते हैं, लेकिन सारे नियमों की अवहेलना करते हुए जिस प्रकार से सदन को आहूत किया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये सदन जिस कारण से आहूत हुआ है उसकी गहराई में जाने का आवश्यकता है। SC ST एक्ट का जो 226वां संशोधन हुआ, उसकी सूचना हमारी सरकार को और इस विधानसभा को 20 दिसंबर के दिन महात्मा गांधी और जो पार्लियामेंट ने पास किया था वो 10 और 12 तारीख को दिसंबर को ये कानून पास कर दिया। और इस कानून की अंतिम सीमा 25 तारीख के दिन 25 जनवरी के दिन राजस्थान के SC ST एक्ट का अगर समर्थन नहीं है उसके कारण से आपने इस हाउस को बुलाया है। मैं सोचता हूँ आप राजस्थान की कितने हमदर्द हो, ये आपकी फ्लोर खुलती है। ये प्रशासन चला रहे हो, ये सरकार चल रही है, सरकार को ये होश हवास नहीं है। 20 दिसंबर के दिन 20 दिसंबर के दिन ये कागज आपको मिल गया और 20 दिसंबर के कागज को आप केवल कानून लाने की अक्षमता बताने के लिए, अपनी लापरवाही बताने के लिए राजस्थान के शेड्यूल कास्ट साहब को यह संदेश न जाए कि सरकार कितनी इतनी होशियार है कि 4 दिन पहले इस एक्ट को पास कराने के लिए राज्यपाल महोदय से जबरदस्ती दस्तखत करके इस हाउस को बुलाया है। ये हाउस को 4 दिन का समय क्यों दिया गया? कौन सी इमरजेंसी थी इसके कारण से आपने 4 दिन की सूचना के आधार पर इस हाउस को बुलाया? आपकी गलती, प्रशासन की गलती, आपके डिपार्टमेंट में खोए रहने के कारण इतना बड़ा कानून जो राजस्थान केंद्र सरकार ने राज्यसभा से और राज्यसभा लोकसभा से 12 दिसंबर को पास कर दिया था, उस कानून की अवधि 25 तारीख लास्ट आने के कारण से आप अपनी जेब बिठाने के लिए इस कानून को 24 तारीख को लेकर के आ रहे हो और उस दिन पास करा रहे हो। लेकिन ये कानून केवल राजस्थान नहीं, राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान के आगे से अभी 19 राज्यों ने इस कानून का समर्थन कर दिया, लेकिन राजस्थान दुर्भाग्यशाली राज्य रहा जितने इसका अनुसरण, इसका समर्थन नहीं किया इस कानून का, इस गैप को मिटाने के लिए, इस गलती को छुपाने के लिए राजस्थान के शेड्यूल कास्ट के प्रति जिस प्रकार की आपने संवेदना है उसको दिखाने के लिए आपने राज्यपाल को मजबूर करके 4 दिन के अंदर अभी नियमों के विरुद्ध है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कानून की गलती कोई करे और दंड राज्यपाल को भुगतना पड़े और हमें यहाँ खड़े होकर राज्यपाल के अभिभाषण में विरोध करना पड़े, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? राजस्थान की सरकार की निर्लज्जता के कारण से, राजस्थान सरकार की गलती के कारण से समय पर इस कानून को आपको अनुसमर्थन देना था, उसकी गलती को मिटाने के लिए आपने राज्यपाल जैसे इस सम्मानी पद का जो अपमान किया है, मैं और मेरा दल चरण में मैं आप सबसे जयपुर में प्रकार की अवहेलना, जनता प्रकार की लापरवाही, सरकार की अनदेखी और इस सचिवालय को भी, विधानसभा के सचिवालय को भी हो गया था। मैं और मेरा दल सम्मान रखते हुए जो आपसे मजबूरी में इन्होंने 4 दिन में यहाँ बुलाया, मैं और मेरा दल इसका बायकॉट करते हैं। प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए हुक्का बार संचालन पर तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, वितरण, भंडारण एवं विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारे प्रयासों से 60:40 के अनुपात में
थ्री फेज के अंतर्गत राज्य में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति भी भारत सरकार से लेने में हम सफल हुए हैं। इसी के साथ ही हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर भारत सरकार से सीएसएस के अंतर्गत 6 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 950 पीजी सीटों में वृद्धि किए जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।